Assalamualaikum viewers, welcome back to the channel Car-A-THON. So viewers, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए Daihatsu Mira का डिटेल रिव्यू लेकर आया हूँ. सो आप लोगों को पहले इस गाड़ी के मुतालिक कुछ डिटेल्स बताता चलूँ. तो ये गाड़ी जो है वो 2016 का मॉडल है और ये अभी 2020 की लेटेस्ट इम्पोर्ट है और ये गाड़ी फॉर सेल है और शालीमार मोटर्स पे अवेलेबल है. तो अगर आप लोगों में से कोई भी इस गाड़ी को बाई करने में इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और आप लोगों के स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी. तो आप लोग इनको कॉन्टैक्ट करके बाकी इस गाड़ी की तमाम डिटेल ले लें. सो रिव्यू स्टार्ट करता हूँ. फ्रंट पे हेलोजन बल्ब्स विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और सिंपल हेलोजन बल्ब्स में लाइट दी गई हैं. फॉग लाइट्स गाड़ी में मिसिंग है बट आप लोग आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं. इसी तरह गाड़ी में की ग्रिल में क्रोम का यूज़ नहीं किया हुआ, बस ये एम्बलम के जो अराउंड जो ग्रिल है वो ग्रिल कह रहा हूँ, एम्बलम के अराउंड जो सर्कल्स है उसको जो है क्रोम में यूज़ किया हुआ है. बाकी आप लोग इस गाड़ी की एयर इंटेक ग्रिल भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ दी हुई हैं. और इसी तरह ग्रिल के अंदर रेडार भी मौजूद है गाड़ी में. और आप लोगों को फ्रंट की एक वाइड लुक देता चलूँ इस गाड़ी की. इसी तरह जो आप लोगों को रेडार्स का बताया था तो ये भी आप लोग देख सकते हैं इसकी विंडस्क्रीन पर. गाड़ी में व्हील कैप्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद 14 इंच स्टील रिम्स. एलॉय रिम्स मिसिंग है गाड़ी में. फेंडर्स पे आप लोगों को इसके साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे. गाड़ी का जो साइड व्यू मिरर है वो रिट्रैक्ट तो नहीं बट पावर कंट्रोल हो जाता है. इसी तरह सन वाइजर्स भी इंस्टॉल्ड है. गाड़ी का जो डोर हैंडल है वो सिल्वर मेटेलिक कलर में प्रोवाइडेड है. और बाकी आप लोग गाड़ी की साइड लुक मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं. इसी तरह गाड़ी की टेल लाइट्स हेलोजन बल्ब्स में दी गई हैं जिनका वर्टिकल डिज़ाइन है. और बाकी हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प गाड़ी में गिवन है बट स्पॉइलर मिसिंग है. इसी तरह गाड़ी की बैक से वाइड लुक. गाड़ी की बूट को ओपन करके देखते हैं, इसकी बूट स्पेस चेक कर लेता हूँ. सो बूट स्पेस एक 660 cc स्टैंडर्ड गाड़ी ही जितनी इसकी बूट स्पेस मिल रही है. बट इसमें एक और आई थिंक सो कि इसमें टायर जो स्टेपनी टायर है वो मिसिंग है. बट इसमें इसी तरह सुजुकी ऑल्टो की तरह रिपेयरिंग किट पंक्चर किट प्रोवाइडेड है. बूट को बंद कर देखते हैं. आप लोगों को पहले इस गाड़ी की दिखा दूं तो ये आप लोग देख सकते हैं सिंपल इमोबिलाइजर जो की है, इसमें लॉक और अनलॉक के बटन्स प्रोवाइड. इंटीरियर की आप लोगों को मैं अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रंट से इंटीरियर का एक वाइड लुक दे दूं और बैक साइड से फिर डिटेल में इंटीरियर में बात करेंगे ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए कि क्या क्या मतलब चीज़ें प्रोवाइडेड हैं वाइड लुक में. अब ड्राइवर डोर पे आप लोग देख सकते हैं पावर विंडोज़ गाड़ी की प्रोवाइडेड हैं जिनमें फ्रंट जो ड्राइवर की है वो सिर्फ ऑटोमेटिक है, बाकी सारी मैन्युअली पावर कंट्रोल होती हैं. इसी तरह इसमें आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल लॉकिंग. और फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट ड्राइवर डोर पर प्रोवाइडेड है. इसी तरह ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडल मोड, हेडलाइट एडजस्टर और एंटी कोलूजन के बटन्स प्रोवाइडेड हैं. जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था रेडार्स गाड़ी में मौजूद है तो उसकी भी ऑप्शन मिल जाती है. यह है इस गाड़ी का 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर लीवर, मैनुअल एसी कंट्रोल, एसी के बटन, डीफॉगर का बटन. और इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसमें गाड़ी में सिर्फ जो आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम में ऑक्स और सीडी प्लेयर जैसी सहूलत देखने को मिलेगी. यूएसबी वगैरह आप लोग नहीं लगवा सकते हैं बट अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट आप लोग ख़रीद के लगवा सकते हैं. इसी तरह इसमें डुअल एयर बैग्स मौजूद हैं, एक स्टेयरिंग व्हील पर और जो दूसरा है वो डैशबोर्ड पर प्रोवाइडेड है. इसी तरह जो इसके साइड एसी वेंट्स हैं वो सर्कल शेप में है जबकि जो सेंटर वाले हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है. ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही वैनिटी मिरर प्रोवाइडेड है. और इसके कंट्रोल्स, हेडलाइट कंट्रोल्स और जो वाइपर कंट्रोल्स आ गए. इसी तरह दो कप होल्डर्स, स्टोरेज कंपार्टमेंट थोड़ा सा, इसका जो ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस है, ना ज़्यादा है ना नॉर्मल आप लोग कह सकते हैं. ये एक चीज़ है जिसका मुझे भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि मैंने आज पहली बार किसी 660 cc गाड़ी में देखी है. और बाकी
फ्रंट सीट्स के अगर कुशनिंग की बात करूं तो जो फैब्रिक है इनका वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आप लोग देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट इनका फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, तो मतलब बिल्कुल भी आप लोगों की इसकी सीट्स अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगी। और ये हैज़र्ड लाइट्स के बटन। अब इस गाड़ी का आप लोगों को मीटर क्लस्टर दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड। तो ये इस गाड़ी का मीटर क्लस्टर जो कि डिजिटल स्पीडोमीटर है, और इसके राइट साइड पर आप लोगों को इस गाड़ी की तमाम शो हो रही होगी कि गाड़ी कितना चल चुकी है और फ्यूल के रिलेटेड, और जो इसकी लेफ़्ट साइड है इस पर आप लोगों को गाड़ी की माइलेज शो होगी कि कितनी गाड़ी आप लोगों को पर लीटर कितना फ्यूल एवरेज दे रही है। तो इस गाड़ी की बैक साइड पे आ गया हूँ, आप लोगों को बैक डोर दिखाता चलूँ। आप लोगों को बैक में एक कप होल्डर और साइड पर थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह बैक पर पावर विंडोज़ के कंट्रोल और जो बैग्स के लिए जो छोटा सा एक आर्मरेस्ट टाइप दिया हुआ है आप लोग इस पे रख सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बैक सीट्स। तो बैक पे आप लोगों को दिखाऊं एक रीडिंग लाइट जो सेंटर में मौजूद है, फ्रंट और बैक दोनों पैसेंजर्स के लिए यूज़ हो जाती है। और गाड़ी की बैक सीट्स पे आप लोगों को हेडरेस्ट तो अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिल रहा, बट दो सीट बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और इनके बड़े अच्छे से बिल्कुल अंदर है ताकि कोई अगर सेंटर में भी कोई बंदा बैठ जाए तो उसके लिए अनकंफर्टेबल नहीं होगा। और जो बैक की जो सीट्स की कुशनिंग है आप लोग देख सकते हैं, फैब्रिक जो इनकी काफ़ी सॉफ्ट है, जिस तरह फ्रंट की थी इसी तरह बैक की भी काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। इसी तरह मेरे पास बैक पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी स्पेस प्रोवाइडेड है, कि फ्रंट ड्राइवर सीट फुल पीछे हुई हुई है, तो इसके जो लेग रूम है उसमें तो आप लोगों को इशू आने वाला नहीं है, और जो हेड रूम है वो भी कंसिडरेबली ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते। और इसी तरह आप लोगों को मैं आइडिया देता चलूं कि आप लोग देख सकते हैं फ्रंट सीट बिल्कुल जिस तरह आगे है, तो फिर तो इवन के बैक पैसेंजर जो है वो अपने पांव फैला के भी बैठ सकते हैं इधर। तो लेग रूम और हेड रूम की तरफ से तो आप लोगों को इस गाड़ी को में कोई मसला आने वाला नहीं है।